ओम व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, जिसके ऊपर 7.5 एचपी की मोटर हम ऑपरेट कर रहे हैं। और इस सोलर पैनल्स को हमने फोल्डिंग वाले स्टैंड पर फिक्स किए हैं, और स्टैंड को हमने नीचे कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ फिक्स किया है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हमने सारे पैनल्स के फ्रेम को इस तरीके से फिक्स किया है। यहाँ पर हमने 14 पैनल्स मोटर के लिए यूज़ करे हैं, और दो पैनल्स हमने एक इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर के लिए यूज़ किए हैं। ये एक पैनल का पावर 550 वाट का एक पैनल है, और जिंको का हमने पैनल यूज़ किया। इसके ऊपर वीएफडी हमने 711 की वीएफडी यूज़ की है, और वीएफडी की साइड भी आपको लेकर चलता हूँ। ये हमने वीएफडी यहाँ इंस्टॉल किए 711 किलो वाट की वीएफडी है, और एक अलग से यूपीएस लगाया है ज्यूनिक का 1.5 केवीए का, और इसके ऊपर हमने दो पैनल इंस्टॉल किए हैं 540 वाट के, अलग से दो पैनल इसके हैं। सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर है, और हमने यहाँ पर टीपी ब्रेकर यूज़ किया है सोलर पैनल्स के लिए। जो मोटर के लिए हमने पैनल इंस्टॉल किए उसके लिए टीपी ब्रेकर यूज़ किया है। यहाँ से ये वायर वीएफडी की तक जा रहा है, और हमने इसको इंसुलेट किया है पीवीसी पाइप के थ्रू, और ये पैनल्स के साइड से वायर आ रहा है। यहाँ पर इनका ये जनरेटर डेली 10,000 का फ्यूल कंज्यूम कर रहा था, अप्रोक्सीमेट 18 लीटर तकरीबन ये कंज्यूम हो रहा था डेली। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरेटर इनका ऑफ है, और ये सारा का सारा इनका जो कंजप्शन हो रहा है पावर, वो सारा सोलर पैनल्स के थ्रू फैन चल रहा है उससे कंज्यूम हो रहा है सोलर पैनल से पावर इनका। और फैन की साइड आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मोटर 7.5 एचपी की मोटर लगी हुई है फ़ैन की। आइए मैं आपको मोटर की साइड लेकर चलता हूँ। ये पंखा चल रहा है जो टनल के अंदर हवा को थ्रो कर रहा है, क्योंकि लेबर अंदर काम कर रही है। अगर ये फैन ना हो तो अंदर बहुत ज़्यादा हब से, जिसकी वजह से लेबर को काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये फ़ैन अभी डायरेक्ट सोलर से चल रहा है, जो हमने 14 पैनल सोलर पैनल इस फैन के लिए इंस्टॉल किए हैं, तो ये डायरेक्ट सोलर पावर से ये फ़ैन चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी अच्छी स्पीड में चल रहा है माशाल्लाह से, और 1400 आरपीएम इसके मोटर के हैं। यहाँ हमने टीपी ब्रेकर यूज़ किए दो, ये अलग से जनरेटर का ब्रेकर दिया हुआ है। इनके तक अगर क्लाउडी वेदर हो तो आप डायरेक्ट जो ये जनरेटर से भी चला सकते हैं, ये डायरेक्ट अपनी फ़ैन को डायरेक्ट जनरेटर से चला सकते हैं। लेकिन उस केस में इनको ये ब्रेकर ऑफ करना होगा सोलर वाला, और ये ऑन होना करना पड़ेगा। तो अब जब अगर सनी टाइम है तो ये ब्रेकर ऑफ होगा और ये ऑन होगा, वरना दोनों पावर इंटरफेयर हो सकते हैं और फॉल्ट आ सकता है, वीएफडी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये एक टाइम पे एक ब्रेकर ऑन होगा, एक टाइम पर दूसरा वाला ऑफ होगा।